क्या बता रहे हैं आंटी आप? आंटी बता रही कि ये कांतम में निकल रहा है, पूरा घर में कीचड़े कीचड़ हो जाता है। रोटी दे के भी निकलता है आदमी, नहा धो के पूजा पाठ भी जाता है, कैसे जाए बताओ। मैंने दूसरे तीसरे दिन भर जाता है। मेन बात यहाँ पे होगा टी पॉइंट, और वहाँ से सफाई करते हैं, फिर ये सारा पानी यही निकल जाता है। दरवाजा है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं इनके, और मेरे भी हैं बच्चे, सब जा जूता चप्पल घर ऐसा हो जाता, सवेरे संध्या कीचड़ कीचड़ हो जाता है। मेरा छोटे छोटे पोता पोती है, नहा धो के निकालती है बहू, कभी इनका भी कीचड़ में गिर ही जाते हैं। तो हम लोग यही गली है, दूसरी गली भी नहीं है जाने आने को, परेशानी कितना हो रहा है। लेटिन भी बाहर आते हैं, कैवर सब कोई नहीं आते हैं देखने के लिए। यहाँ ना बार बार जब भी सफाई होती है ना, तो क्या बोलते बार बार पानी आ जाता है। यहाँ हर बार हम कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। परवीन को जब वोट चाहिए तो गली गली घूमते हैं, उसके बाद कंप्लेन करो कोई सुनवाई नहीं, वो अपने घर में बैठा है। बता रहे हैं यहाँ के जो MLA हैं राजेश ऋषि हैं, और जो निगम पार्षद हैं प्रवीण जी हैं, दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। देख सकते क्या कार्य करा रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। में मौजूद हूँ महावीर इनक्लेव पार्ट 3 में, गली नंबर 80 और 81। दो गलियां हैं, दोनों गली की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पानी जाम है। ये सीवर है, ओवरफ्लो कर रहा है, और यही पानी जो है लोगों के घरों में जा रहा है। बता रहे हैं यहाँ के जो MLA है राजेश ऋषि है, और जो निगम पार्षद है प्रवीण जी है, दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। देख सकते हैं क्या कार्य करा रहे हैं। दिल्ली का जो मॉडल था, लंदन पेरिस मॉडल, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा किस तरीके से लंदन पेरिस मॉडल पर दिल्ली की इन सड़कों पर काम किया गया है। सिर्फ दिल्ली की यही वो एक सड़क नहीं है, दिल्ली की हर सड़क लगभग ऐसी ही है। जो चकाचौंध की बात करते थे, वो चकाचौंध देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ये पानी अभी तो थोड़ा है, पर जब काम काज घर में होता है सुबह शाम, तो गली में पूरे में पानी भर जाता है, इसके साथ ही घरों में पानी भर जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जुड़कर जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या समस्याएं झेल रहे हैं वो लोग। क्या हो रहा है भैया? बहुत परेशानी है वो तो आप देख रहे हो, क्या परेशानी है बताओ। नहा धो के निकले काम से, ये सीवर का पानी है, ये कहाँ जाए? रोटी दे के भी निकलता है आदमी, नहा धो के पूजा पाठ भी जाता है, कैसे जाए बताओ। ये नरक बह रहा है, ये कब से ऐसा समस्या? ये हर बार हो जाता है, ये 5-6 दिन से है। मैं उनके पास भी 3-4 दफे गया। मैं क्या क्या काम हो इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लास्ट 5 ईयर से मैं रेगुलर कंप्लेन किए जा रहा हूँ। पहले शशिकांत यादव थे जेई यहाँ पे, एंड बहुत सारे लोग थे। उसके बाद कौन है यहाँ पर अभी? आई थिंक दीपक सिंह आया। दीपक सिंह को कंप्लेन किया आपने? दीपक सिंह को अभी लेटेस्ट कंप्लेन मैंने नहीं किया है, बट अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स मैंने कंप्लेन किया है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर के चार्ज पे मैडम आतसी हैं, अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने इस मेल को अप्रोक्सीमेटली इस मेल को 5 टाइम फॉरवर्ड किया हुआ है CEO दिल्ली जल बोर्ड एंड CEO MCD, बट नोबडी कोई भी यहाँ पे कुछ करके राजी नहीं है। इसका बेसिक इशू जो टेक्निकल इशू है वो ये इशू है कि ये सीवर जो है लास्ट सीवर है, एंड इसको क्या किया है इन्होंने नीचे कर दिया है, बाकी सारे सीवर जो है वो ऊंचा कर दिया हुआ है। वो टेक्निकल इश्यू की वजह से लास्ट इतने सारे कंप्लेन करने के बाद भी 3 बार देखिए 4th मेल है जो चीफ मिनिस्टर ने फॉरवर्ड किया हुआ है कंसर्न डिपार्टमेंट को CEO MCD एंड CEO दिल्ली जल बोर्ड। देखो ये हर साल में मतलब दो महीने में दूसरे तीसरे दिन भर जाता है इसी बार। मेन बात यहाँ पे होगा टी पॉइंट सारा यहीं पे है, इस गली का यहीं पे, इस गली का सब यहीं पे है, और वहाँ से सफाई करते हैं, फिर ये सारा पानी यहीं निकल जाता बाहर। फिर किस तरीके से इस पानी को हटाया जाता है मैम बताइए। सीवर साफ करने वाले आते हैं पर सही से नहीं करके जाते, वो हर दूसरे तीसरे दिन लीकेज होता ही रहता है। अच्छा, ये ऐसा होता है कि घर में जब महिलाएं काम करती हैं, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह, उसी दौरान भरता है या एनी टाइम कभी भी भर जाता है? एनी टाइम भरा ही रहता है, एनी टाइम भरा रहता है। सुबह शाम कुछ ज्यादा ही हो जाता है जब घर में काम होते हैं। क्या बता रहे हैं आंटी आप? आंटी बता रही कि ये कांतम में निकल रहा है, पूरा घर में कीचड़े कीचड़ हो जाता है, चप्पलन जूतन तय है, काल करें। दरवाजा है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं इनके, और मेरे भी हैं बच्चे, सब जा जूता चप्पलन घर ऐसा हो जाता, सवेरे संध्या कीचड़ कीचड़ हो जाता है। रास्ता है नहीं निखरवे की, जय गली है निखरवे को आने जाने। अब मार्केट लगी है, बाजार जाएंगे, सारा कुछ जय गली में होता है। हमारी छोटी गली पर याद, बड़ी गली तो है नहीं, जो है निकलिया कौन निकलिया। देखो ये मेरा गेट है, सामने इतना पानी भरा रहता है, मेरा छोटे छोटे पोता पोती है, नहा धो के निकालती है बहू, कभी इनका भी कीचड़ में गिर ही जाते हैं।
एक दिन जाते हैं, एक दिन कीचड़ में गिरे मिलते हैं। बच्चे शरारत करते, मानते तो है नहीं, बच्चे नहीं मानते। इसका हल हो जाए तो सही है। अब हमारा तो मेन गेट ही यही है, बता इधर से जाएंगे कहाँ से जाएंगे, इधर से ही निकलेंगे। कितनी बार गिरे बेटा? 3-4 बार। कैसा लग रहा है यहाँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे साफ होना चाहिए, हम खेल भी नहीं पाते। कोई पार्क है आसपास? नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गली में खेलते हैं बच्चे, यही पे खेलते गली में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। देखिए ये जो खंबा है, ये जो पोल है बिजली का, इस पर एक टंकी भी रखी हुई है। देखिए करंट भी आ सकता है, लंबे समय से पानी भरा है, करंट आ सकता है। बच्चे रोड जब पार करते हैं या गली में जाना हो तो इस खंबे को जरूर टच करते हैं, शायद कोई अनहोनी हो जाए। लगता है सरकार कोई अनहोनी होने का ही इंतजार करे, तभी कोई काम करेगी। लाइटिंग बाथरूम पूरा रहता है, इसे भी जाते हैं हम लोग, आते हैं सीवर का पानी भी आता है। जी तो हम लोग यही गली है, दूसर गली भी नहीं है जाने आने को। परेशानी कितना हो रहा है, रोज हम लोग इसी पानी में जाते हैं आते हैं, फिर वही पड़ जाता है। लाइटिंग भी बाहर आता है, कैवर सब कोई नहीं आता है देखने के लिए। मोदी का है यार ये सब, सब कोई नहीं आता है साफ सफाई करने के लिए। आना चाहिए ना यहाँ बच्चों, मोदी का है ना। हाँ सब आना चाहिए साफ सफाई, बाल बच्चे घर में एक छोटा सा रूम लेके रहता है कैसे रहे? मोदी का है ना, चाहे मोदी के रहे चाहे किसी के रहे, ये मोदी का है। यहाँ पर जो बता रहे हैं, यहाँ से मीठे पानी के कनेक्शन भी है, अगर पाइप जरा भी टूटेगी तो मीठे पानी में सीवर का पानी है, वो पाइपलाइन के थ्रू लोगों के पीने के पानी में मिल जाएगा। और वो गंदा पानी यहाँ के लोग पीने को मजबूर हो जाता है, गंदा पानी भी आता है लगातार। ये सिर्फ सीवर की समस्या नहीं, इस एरिया में पानी भी सुबह-शाम जो है गंदा ही आता है। यहाँ ना बार बार जब भी सफाई होती है ना तो क्या बोलते बार बार पानी आ जाता है। तुम्हें क्या दिक्कत होती है? यहाँ से जब हम बार बार जाते हैं तो पैर में लगता रहता है, हमें पैर में लगता रहता है। हाँ और ठंड भी चल रही है अभी तो, बुखार भी हो जाएगा। यहाँ हर बार हम कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। परवीन को जब बोट चाहिए तो गली गली घूमते हैं, और उस दिन जब बोट पर रहा तो रात को सफाई कराने आए, उसके बाद कंप्लेन करो कोई सुनवाई नहीं, वो अपने घर में बैठा है। उसके बाद सफाई करने वाले आते हैं, एक दो डंडे डाल के गटर के अंदर निकल के चले जाते हैं, और उसके बाद वैसे गंद भरने भरे रहता है। जो आता वो इधर से बोलता है इधर गंदी गली है, इधर गंदी गली है। बदनामी केजरीवाल का करते पर उसके लोग काम नहीं अच्छा करते हैं। हम लोग कंप्लेन कर करके थक जाते, कोई सुनवाई नहीं होता है। परवीन कोई परेशर डालता ही नहीं है, जब से जीत गया घर के अंदर बैठा है परवीन, परवीन की बीवी। ये समस्या थी महावीर इनके पार्ट 3 गली नंबर 80 और 81। देखिए किस तरीके से पूरी गली जो है पानी से लबालब भरी हुई है, सीवर जाम हो चुके हैं, और बता रहे लंबे समय से सीवर की सफाई भी नहीं हुई है। जो निगम पार्षद हैं प्रवीण, उनको कई बार शिकायत भी की गई है पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही इस गली में कोई कार्य कराया गया है, ना ही इनका जी सुनता है, ना यहाँ के एमएलए सुनते हैं। एमएलए राजेश पीसी जी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है पर वो अपने काम के लिए एक्टिव नहीं है। देखिए राजेश पीसी जी, इस गली की हालत देखिए किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चे गलियों में खेलने को मजबूर है, पर वो समय आ गया गलियों में भी पानी भरा है तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। इसके साथ ही देखते रहे झलक दिल्ली, मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।